डॉक्टर रणबीर वर्मा जी से कि वह आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हमारे लाइब्रेरियन डॉक्टर के रायना जी को एक पुष्पगुच्छ भेंट कर तालियों से स्वागत करें। आपको वोट देनी चाहिए तो आज का कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही ऑर्गेनाइज किया गया है और कि जो भी हमारे सामाजिक सरोकार के कार्य हैं जिसमें आपके खूनदान से लेकर के साफ सफाई का है, पर्यावरण का है, फीमेल फोर्टिसाइड का है और जो समाज में उपयोग होने वाली सकारात्मक विधाएं हैं उनको इंटैक्ट रखने के लिए का चुनाव था, उस समय भी हमने एक कैंपेन शुरू किया था ऑल इंडिया लेवल पे इलेक्ट दी बेस्ट को लेकर के। उसके बाद अभी बीते वर्षों में हमारा G20 को लेकर के वो भी एक कैंपेन चला था, उस कैंपेन में भी हमने पार्टिसिपेट किया था, उसको उस कैंपेन को भी हमने आगे बढ़ाया था। और उसी प्रकार हमारा सैल्यूटेशन टू द इंडियन आर्मीज, बीच में जो एक युद्ध हुआ था अघोषित युद्ध पाकिस्तान के साथ, उस समय हमने इंडियन आर्मी को भी ऑनर किया था अलग अलग जगहों पर जाकर के, अलग अलग चैप्टर्स ने उस काम को किया था। होता है आपने जाना है, एंटर करना है और उसके बाद बटन पुश करना है, आप उसको करें, वो एक उत्सव के रूप में आप मनाएं, आप उसको उत्सव के रूप में, एक खुशी का मौका है। यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के आज इस सभागार में यहाँ इस विशेष कार्यक्रम स्वीप के इस विशेष कार्यक्रम में गरिमामय उपस्थिति में आज सम्मिलित है। सभी को करना है मतदान, छोड़ के अपने सारे धंधे, छोड़ के अपने सारे धंधे, छोड़ के सारे काम, करना है मतदान हमें। बताएगा हम अपना नेता क्यों चुनना चाहते हैं, क्यों सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा दारमदार बनाया है, इतना बड़ा सिस्टम बनाया है कि नेता चुनना है, कोई बताएगा? क्षेत्र के लिए एक नेता चुनना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उस क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी समस्याएं हैं। हाँ जी, उन समस्याओं का एक प्रतिनिधि हम चुनते हैं कि वो उस नेशनल लेवल पे या चाहे स्टेट लेवल पे एक रिप्रेजेंटेटिव, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और एक अच्छी नियम नीति बनाए। वेरी गुड, बहुत ही कम शब्दों में हम एक नेता चुनते हैं जो हमारी आवाज है, वो नेता जो है वो हमारी आवाज है, वो हमारी, ही इज द वॉइस ऑफ अस, हम जो सिटीजन है हमारी वॉइस है वो, जो हम करना चाहते हैं, जो हम अकेले नहीं कर पाते, हम एक सब चुन के एक बंदा ला रहे हैं, मेरा रिप्रेजेंटेटिव है गांव में, मैं प्रधान को चुन रही हूं, मैं जा रही हूँ वोट दे रही हूँ, मेरे माता पिता सब जा रहे हैं वोट दे रहे हैं, प्रधान जो है वो मेरी ग्राम पंचायत का ध्यान रखेगा, वो ग्राम पंचायत का जो प्रधान है फिर उस पे उसके कंधों पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी है, मेरे स्कूल अच्छा नहीं है, स्कूल अच्छा होना चाहिए, आप 5 साल रहोगे आपने ये काम करने, पेयजल सुविधा नहीं है, कुओं से पानी ला रहे हैं हम, अभी भी हमारे घर में नलके नहीं लगे, हमारा स्कूल अच्छा नहीं है, पेयजल सुविधा नहीं है, रास्ते कच्चे हैं, नालियों में पानी गंदगी बह रही है, वो प्रधान को हमने उसको जिम्मेदारी थोप दी, उस वोट की कीमत से, उस वोट की इंपॉर्टेंस से हमने उसको प्रधान को बता दिया, नाउ यू आर बाउंड कि आपने ये काम करना है, अगर आप काम नहीं करोगे अगले 5 साल बाद कोई और आपकी जगह आएगा, ये सिंपल सा लॉजिक है। वैसे ही हम MLA चुन रहे हैं, वैसे ही हमने देश का मुखिया प्रधानमंत्री चुना है। गूगल प्ले स्टोर में जाओ और अपनी वोटर हेल्पलाइन ऐप उसमें लिखो, वोटर हेल्पलाइन ऐप खुल के आ जाएगी, जैसे आप यूजर आईडी बनाते हैं फेसबुक के लिए सेम वैसे ही आपको ईमेल आईडी चाहिए, आपको OTP आ जाएगा आपके फोन नंबर पे, आप उसमें रजिस्टर हो जाओगे, उसके बाद 5-6 चीजें ही मांगेगा, नाम पता, जनरली जैसे भी कोई अकाउंट बनाते हैं वैसे ही नाम पता वैसे वैसे आपने भरना है, उसमें आपका एड्रेस प्रूफ लगना है, एक कुछ भी लगा सकते हो आप उसमें, बड़े सारे एड्रेस प्रूफ के होते हैं, पैन कार्ड है आपका, राशन कार्ड है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो आपने एक एड्रेस प्रूफ लगाना है, आपने उसमें फोटो अपलोड करने हैं आपने, और एक बर्थ प्रूफ, आजकल हर बच्चे के पास बर्थ प्रूफ होता है,
पंचायत से भी बन जाता है, एमसी से भी बनता है, बर्थ प्रूफ उसमें लगाएं और आपको क्लिक करें आई अग्री खत्म बात। जैसे बैंकिंग लिटरेसी होती है ना, आपको एटीएम और ये सब बताते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, वैसे ये मतदाता लिटरेसी है। तो मतदाता को भी छोटी छोटी चीजें जो बड़ी बेसिक कॉमन चीजें हैं वो पता होनी चाहिए। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। ईवीएम क्या होता है, आप जाओगे, आप पहली बारी वोट देने जाओगे तो आप देखोगे ईवीएम क्या है। ईवीएम को लेकर जो भ्रांतियां थी कि ईवीएम में वोट एलियनेट हो सकते हैं, ईवीएम में मैनिपुलेशन हो जाएगी, इसको हैक कर सकते हैं, आपने बहुत बारी देखा होगा जब भी इलेक्शन आते हैं तो ये बात बहुत जोरों से चल पड़ती है कि ईवीएम हैक हो सकती है और ईवीएम से वोटिंग नहीं होगी। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा लिटरेट करना चाहूंगी आपको। ईवीएम जो है वो किसी भी आप ब्लूटूथ से, इंटरनेट से, वाईफाई से उससे नहीं जोड़ सकते, तो उसका कहीं भी बाहर से कंट्रोल नहीं लिया जा सकता, कहीं से एक्सेस नहीं किया जा सकता। उसमें एक बड़ी वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप डलती है उसमें, और वो स्टैंड अलोन मशीन है, उसमें कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। जो ईवीएम है उनकी बड़ी चेकिंग होती है हर स्तर पे, डीसी के स्तर पे होगी, एसडीएम के स्तर पे, जिसको आरओ रिटर्निंग ऑफिसर के स्तर पे, तो अलग अलग स्तर पे उस पे अलग अलग मतलब रेंडमाइजेशन, मतलब अंत तक ये पता नहीं होता किस पोलिंग स्टेशन को कौन सी ईवीएम जानी है। तो हमें अंत तक तो ये भी जब यही पता नहीं है, जब तक उनमें नाम नहीं आ जाते, कैंडिडेट सेटिंग बोलते हैं उसको कि कैंडिडेट भरे जाते हैं, जब तक कैंडिडेट नहीं भर पाएंगे तब तक तो ये भी पता नहीं होता कौन से सीरियल नंबर में कौन सा कैंडिडेट है। तो बहुत सारे ऐसे चेक्स हैं, बड़े स्ट्रिंजेंट चेक्स हैं कि हम ईवीएम को अंत लास्ट तक उसमें कोई हर एक ईवीएम का नंबर है। शुरू में ये पता नहीं होता कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी ईवीएम जानी है, फिर वो पता चलता है, तो फिर कौन से पोलिंग स्टेशन में कौन सी जानी है। हर एक जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको प्रॉपर बताया जाता है, उनको लिस्ट दी जाती है बकायदा कि इस पोलिंग स्टेशन में ये ईवीएम जा रही है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आप सुनते हैं कि इलेक्शन अनाउंस हो गए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, एमसीसी लग गया, आचार संहिता लग गई है। ज्यादातर तो यही सुनते होंगे कि अब ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती है ना, कि अब आचार संहिता लग गई, अब तो ट्रांसफर नहीं होगी। तो जब आचार संहिता लग जाती है तो उसका बहुत सारी गाइडलाइंस होती है कि उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। हम सारे लोग जो हैं पॉलिटिकल, जो कैंडिडेट्स होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी, हम कर्मचारी, हम सब लोग जो है उसके दायरे में ही काम कर सकते हैं। तो हम जो कोड ऑफ कंडक्ट है उन गाइडलाइन से बाहर नहीं जा सकते। वेरी थैंकफुल कि आपने मुझे इसमें बुलाया। मैं प्रियंका हूँ, एडिशनल कमिश्नर एमसी हूँ, साथ में मुझे डिस्ट्रिक्ट का जो है नोडल ऑफिसर बनाया है स्वीप से रिलेटेड। तो आई थिंक अभी सभी कुछ बोल दिया गया है, पूरी बातें डिस्कस हो गई हैं, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बस दो तीन चीज़ें हैं वो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमें जो मतलब ये तो बता दिया कि कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या हो रहा है। सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके पीछे एक हिस्ट्री है, यू नो देयर वॉज अ मूवमेंट बिहाइंड दिस वोटिंग। वोटिंग की जो राइट्स है वो हमें इतनी ईजिली नहीं मिली है, इसके पीछे हमें बहुत जो है वो मूवमेंट हुई है। और अगर आप देखेंगे तो यूएसए में, उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में जो वोटिंग राइट्स हैं वो भी बहुत लेट मिली हैं। और साथ में ये भी है कि पहले जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे और जो क्लर्गी होती थी, ब्रिटिश के जो नागरिक होते थे, इवन इंडिया में उन्हीं को वोटिंग राइट्स मिलती थी, हमें तो वोटिंग राइट्स भी नहीं थी। और वुमेन को तो वोटिंग राइट्स बहुत लेट आई है। तो फिर इसीलिए ये जो चीज़ जो हमें मिली है, जो हमें बहुत एक मूवमेंट करके मिली है, उसका हमें बहुत ही यू नो उसको बड़ा सादर करना चाहिए। और हमें उतना उससे मिली है तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो वोटिंग करनी है वो ज़रूर वोटिंग करनी है। तो इसीलिए मैं ये कहूँगी कि अगर आपने वोटिंग करनी है तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इट इज़ नॉट अ थिंग विच इज़ जस्ट बीन गिवन टू अस, देर हैज़ बीन वॉर्स, देर हैज़ बीन ब्लडशेड, पता नहीं क्या क्या नहीं हुआ है इस राइट को हमारे को पाने के लिए। और इंडिया में जो हमें वोटिंग राइट्स है उसमें एक सरोजिनी नायडू जो थी, एक लेडी थी, उनका बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने विमेन को जो है बहुत इसमें 1917 से उन्होंने काम शुरू कर दिया था कि आप जो है वोटिंग राइट्स जो है हमारी जो विमेन है उसको भी मिले। उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 जो है, विच इज़ ऑल्सो द रेड लेटर डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिस दिन हम रिपब्लिक हुए उस दिन पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमें ये कहा गया कि आप जो है अब हर कोई इंसान जो है उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दी गई कि हम सब जो है वोट कर सकते हैं। आप सब 18 ईयर्स के हो रहे हैं तो मेरा आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन है कि आप जैसे एसडीएम ने कहा, जैसे कि हमारे डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन श्री नेगी जी ने कहा कि आप जो है उस दिन जाइए वोट करिए, बिकॉज यू आर द टॉर्च बियरर्स ऑफ अ नेशन। कल आप लोगों ने हमारा नेशन चलाना है, हमारा देश कैसा होगा वो आप पे डिपेंडेंट है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की दिशा और दशा कैसी हो उसको चलान उसको एक सरकार तय करती है, चुने
चुनिंदा प्रतिनिधियों की जो सरकार होती है और उन प्रतिनिधियों को चुनने में आप सहायक होते हैं, इसलिए अपने आप पर गर्व करना है। पहले वोट का अभियान, फिर जलपान और फिर अन्य काम, इस नारे को लेकर के आपने चलना है। मैं एक बार पुनः विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद। सौभाग्य है वोट ऑफ थैंक्स देने का सबसे आखिर में, तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा ये जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर, जिनके लिए कार्यक्रम सुनिश्चित था और जो इसका लाभ उठाएंगे, सबसे पहले धन्यवाद उनको है। उसके बाद जो हमारा जिला प्रशासन है, हमारी दो बहुत ही होनहार और बहुत डायनेमिक जो ये हैं एडिशनल कमिश्नर मैं डॉक्टर प्रियंका चंद्र जी और चंद्रा जी सॉरी और एसडीएम जो हैं हमारी पूनम बंसल जी और इनके साथ डॉक्टर जगदीश नेगी जी, हेमिंदर जी, इनकी पूरी टीम नोडल ऑफिसर्स हैं और इन्होंने जितना अच्छा ज्ञान दिया उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बढ़िया ये कार्यक्रम रहा। और अंतरात्मा जो है, लॉ बने हैं, कानून बने हैं, उसके लिए जेल बनी है, सब कुछ बना है, मगर जो असली जो कमांड है वो आपकी आत्मा का कमांड है, तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए और ईमानदारी से वोट डालिए। थैंक यू वेरी मच।